सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस बेल को ताकि इसी तरह की फ्री जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल घरेलू पंडित में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा विधि विधान से करना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। यदि आपने भी अपने घर में के मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें रखी हैं तो पूजा करते समय कुछ नियमों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को स्नान और भोग लगाने के पश्चात स्वयं भोजन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपके घर में बरकत नहीं होती और घर में परेशानियां आ जाती है। दोस्तों, तुलसी का पत्ता रोज़ भगवान के शीश पर प्रसाद में रख कर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान जी की पूजा पूर्ण नहीं होती और ना ही भगवान इसे स्वीकार करते हैं। पूजा करते समय ये भी ध्यान रखें कि पुराने फूल अर्पित ना करें और हर रोज़ फूल माला को बदलें। अगर आप रोज़ सुबह पूजा में फूल भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो शाम होते होते उन फूलों को हटा दें। ऐसा ना करने पर वहां पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। हर रोज़ पूजा में घी का दीपक अवश्य जलाएं। घी का दीपक जलाने से आपके घर में सकारात्मकता आती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।